क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। क्रिकेट में आए दिन हम रिकॉर्ड बनते हुए और टूटते हुए देखते हैं। इसी उतार चढ़ाव के खेल में खिलाड़ी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी उन्हें सज़ा मिलती है, और आज हम ऐसी ही एक खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जिन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। ये दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इनका नाम लेस्ली हिल्टन था। ये खिलाड़ी अपने देश के शुरुआती क्रिकेट हीरोज़ में गिने जाते थे। इस क्रिकेटर ने अपने देश के क्रिकेट को अलग मुकाम पर पहुंचाने का काम किया था, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जिसने उस क्रिकेटर को अपराधी बना दिया था। 29 मार्च 1905 को जमैका के किंगस्टोन शहर के एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म के पहले हो चुकी थी और जन्म के 4 साल बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो चुकी थी। हिल्टन का लालन पालन इनकी बहनों ने किया था, पर कुछ सालों बाद इनकी बहनों का साया भी इनके सिर से हट चुका था। कुछ मजबूरियों के कारण हिल्टन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक दर्जी के यहाँ काम किया और यहाँ से एक क्रिकेटर बनने की इच्छा भी उनके मन में जाग चुकी थी। 19 फरवरी 1927 को स्वीना पार्क में हिल्टन ने जमैका की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। इस मैच में इन्होंने 39 रन बनाए और 2 कैच भी पकड़े, लेकिन सफलता इनका आगे इंतजार कर रही थी। अगले ही मैच में मेलबर्न पार्क में पहली पारी में इन्होंने 34 रन देकर 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में 50 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जो कि एक नए खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। यह इनको जमैका की टीम में बनाए रखने के लिए भी काफ़ी था, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी भी दूर थे। दिसंबर 1927 में हिल्टन जमैका की तरफ से ट्रायल मैच खेलने के लिए ब्रिजटाउन गए थे। यह मैच 1928 में वेस्टइंडीज की तरफ से खेलने के लिए खिलाड़ियों को निर्धारित करने वाला मैच था, पर किस्मत यहाँ पर हिल्टन के साथ नहीं थी। उनका प्रदर्शन इस मैच में अच्छा नहीं रहा और इस तरह से उनका चुनाव नहीं हो पाया। इसके बाद इनकी किस्मत 8 साल बाद चमकी, जब 8 जनवरी 1935 को इंग्लैंड के खिलाफ हिल्टन को अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला। इस मैच में इंग्लैंड का सबसे अच्छा बल्लेबाजी क्रम उतरा था, लेकिन हिल्टन को इस मैच में अतिरिक्त गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया था। बारिश की वजह से इस मैच का ज़्यादातर हिस्सा गीली पिच पर खेला गया था, और अपनी प्रतिकूल पिच पर खेल रहे हिल्टन ने पहली पारी में 10 रन देकर 3 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज़्यादा 19 रन भी बनाए थे। लेकिन इस मैच में वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में हिल्टन ने 55 रन देकर 2 विकेट लिए और दूसरी पारी में 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इस तरह वेस्टइंडीज ने यह मैच जीत लिया था और तीसरा मैच ड्रॉ रहा था, और चौथा मैच भी हिल्टन के अच्छे प्रदर्शन की वजह से वेस्टइंडीज ने जीत लिया था। इस तरह वेस्टइंडीज अपने क्रिकेट इतिहास की पहली सीरीज जीत चुका था। इसके बाद 1939 में वेस्टइंडीज 3 मैच के लिए इंग्लैंड गई, जहां पर इन्होंने पहले 2 मैचों में 3 विकेट लिए, पर तीसरे मैच में इनको जगह नहीं मिल पाई और यह उनके करियर का लास्ट मैच था। इसके बाद हिल्टन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में 6 मैच खेले, जिसमें इन्होंने 70 रन बनाए और 16 विकेट लिए थे। 1942 में इन्होंने एक लड़की से शादी की, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। इससे हिल्टन को एक बेटा हुआ था। उनकी पत्नी एक फैशन डिजाइनर थी, जिसकी वजह से उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ता था। हिल्टन की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी 1954 में हिल्टन को एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें उनकी पत्नी और न्यूयॉर्क में रह रहे रॉय फ्रांसिस के बीच गैर संबंध का जिक्र था। इसके बाद हिल्टन ने अपनी पत्नी को टेलीग्राम भेजकर वापस आने को कह दिया था। न्यूयॉर्क से आने के बाद लर्लिन ने रॉय को अपना दोस्त बताकर किसी भी गैर संबंध से मना कर दिया था। इसके बाद भी हिल्टन के मन में अपनी पत्नी के लिए गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते उसने खुद की सुरक्षा का हवाला देकर
एक पिस्टल और 7 बुलेट खरीद ली थी। इसके बाद हिल्टन ने एक आदमी को पोस्ट ऑफिस जाते हुए देख लिया था, जिसके हाथ में लर्लिन का दिया हुआ पत्र था। उसी रात हिल्टन ने लर्लिन को उस पत्र के बारे में पूछा और उसको बताया कि कल सुबह पोस्टमास्टर वह पत्र उसको देने के लिए मान गया है। कुछ देर मना करने के बाद लर्लिन ने यह मान लिया कि उसके रॉय फ्रांसिस के साथ संबंध हैं और हिल्टन उसके बराबर का आदमी नहीं है। कुछ देर बोलने के बाद लर्लिन अब चुप हो गई, पर हिल्टन बहुत गुस्से में था। उसने पिस्टल उठाया और 7 की 7 गोलियां अपनी पत्नी के सीने में उतार दी। इसके बाद अक्टूबर 1954 में कोर्ट ने हिल्टन को दोषी मान लिया, पर हिल्टन ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह खुद को गोली मारना चाहता था, पर गलती से उसकी पत्नी को लग गई। पर उसकी पत्नी की छाती में मिली 7 गोलियों ने हिल्टन की हर अपील को ठुकरा दिया था और 17 मई 1955 के दिन हिल्टन को फांसी दे दी गई। वेस्ट इंडीज़ को अपनी पहली सीरीज जिताने वाले खिलाड़ी की ज़िंदगी एक अपराधी के रूप में ख़त्म हो गई।